प्रथमे खबर या प्रथमे वोट? प्रथमे वोट। प्रथमे वोट आर तुमे? प्रथमे वोट। काल के वोट आछे प्रथमे वोट होबे तार परे खबर होबे। बांग्ला हम भी सीख गए हैं, बाकी बात ये हम थोड़ा सा जोहार। चुनाव दुमका लोकसभा का चुनाव बहुत कम समय रह गया है, दिन नहीं समय रह गया है, यानी कि सुबह में ही 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो चुनाव आयोग का नियम है। ऐसे वक्त में हम आ गए हैं, ये बंगाल का बॉर्डर है, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, दुमका शिकारीपाड़ा विधानसभा रानीश्वर स्थान है, ये रानीश्वर का ही एक गांव है, जो यहाँ से अगर 1.5 किलोमीटर थोड़ा आगे जाएंगे तो बंगाल पड़ जाएगा। सुखजोड़ा गांव है ना, ये सुखजोड़ा गांव है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बंगाल पड़ जाएगा। तो समझ सकते हैं कि ये बंगाल का कल्चर यहाँ मिलता जुलता आपको मिलेगा, यहाँ लोगों में आप बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि लैंग्वेज में थोड़ा सा ये हो सकता है, हमारे जितने दर्शक हैं, कुछ दर्शक हैं जो संथाली भाषा के दर्शक हैं, कुछ है हिंदी, खोरठा, सब है मिला जुला। अब बंगाली दर्शक कितने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चूँकि ये बंगाल का बॉर्डर है तो बंगाल से सटे हुए लोग हैं ये तमाम जनता, ये है जनता जनार्दन जो लोकतंत्र है खड़ी है, और कल ये लोग जो है ना मतदान करेगी। तो पहले जानते हैं कि इन लोग का क्या है, ये स्थान क्या है, गांव का नाम क्या है? सुखजोड़ा। सुखजोड़ा है। तो कल आप लोग वोट करिएगा ना, है पहले मतदान, पहले जलपान करिएगा, वोट करिएगा या क्या करिएगा? वोट करेंगे उसके बाद खाइएगा, पहले वोट है उसके बाद खाना। बंगाली बोल, बंगाली में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाना। खाना पहले खबर तार परे वोट है, वोट आगे, आगे वोट है, तार परे खबर खबर है। अच्छा आएंगे फिर आए, प्रथमे खबर या प्रथमे वोट? प्रथमे वोट। प्रथमे वोट और तुम्हें? प्रथमे वोट। प्रथमे वोट। तो चुनाव आयोग ने जो प्रचार किए हैं ना वो सार्थक है, कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, पहले खबर उसके बाद वोट। अच्छा ये हम जानना चाहेंगे, यहाँ अभी इधर हवा किसका है, कौन जीतने वाले हैं? तीर धनुक। ऐटा वो दादी बोल रही है तीर धनुक, थोड़ा दादी से ही पूछ लेते हैं। तीर धनुक। हाँ तीर धनुक। तीर धनुक में ओ जी शिबू सरन ना की बोल छो ऐटा? हां नलिन सरन। नलिन सरन তুমি জানো নলিন সরিন কি? ওই যে ছবিতে দেখতে পেয়েছি, যেমন ইয়ে রেশন কার্ডে দেখাচ্ছে ওটাই দেখতে পেয়েছি। আচ্ছা হ্যাঁ রেশন কার্ডে যেটা দেখাচ্ছে ওটাকে। হ্যাঁ রেশন কার্ডে তো হেমন্ত, তাহলে আমি তো এখনো পেনশন পাই না, যে পেনশন বালা আছে সে যে দিচ্ছে তাকে দিচ্ছি ভোট, আমরা যে পেনশন দিচ্ছি তাকে দিচ্ছি ভোট। পেনশন কে দিচ্ছে ওটা আমি জানি না, যেটা জানি না আমরা বাংলার ভোটি, আমরা বিহারের নই। পেনশন কে দিচ্ছে তুমি জানি তো? না আমরা বাংলার ভোটি, আমরা তো বিহারে এখন বিয়ে হয়েছে, আমরা অতটা হিন্দি জানবো কি করে? পেনশন আমি নিজে পাই না। হেমন্ত সোরেন বললাম কি আমি 50 বছর যার হয়ে গেছে, হ্যাঁ 50 বছর যা হয়ে গিয়া হ্যাঁ উনকো হম জো সো পেনশন দেঙ্গে। তো তোমার তো 50 সাল হয়ে গিয়া? হ্যাঁ নাই হোগা। আপনি 50 সাল নেই? না। তো পেনশন কি রকম? ওই যে ওইটা বলছে আমার বাড়ির লোকে পেয়েছে, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मिलता जुलता बंगाली बोल रहे हैं, थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो तो समझिएगा, हमारे जितने दर्शक हैं थोड़ा क्षमा चाहेंगे। आप इधर क्या लगता है, इधर का हवा किधर है, किधर जाएगा? तीर धनुक जीतबे। जीतबे तीर धनुक तो हमरा दी छी, तो तीर धनुक तो जीत। তীর ধনুক জিত। তীর ধনুক জিততে হবে, না জিততে হবে না, লাগাতার জিততে হবে। হ্যাঁ লাগাতারই জিততে হবে, কেন ওর কাছে আমরা খাবার পাচ্ছি, খাবার পাচ্ছি, তবে কোনো কিছু হচ্ছে ওকে যে আমরা বলতে পাচ্ছি, আর অন্য লোকে তো বলতে পাচ্ছি না। যেমন আমাদের এখানে ওয়ার্ড মেম্বার আছে, ওয়ার্ড মেম্বারকে যে বলছি যে আমাদেরকে এটা লাগবে ওটা লাগবে, ওয়ার্ড মেম্বার এসে সেটা যোগাযোগ করছে। সেটা করছে। তুমি জানো কি তীর ধনুক ছাপের কে কে আছে? নলিন সরেন। নলিন সরেন। আচ্ছা কিছু বিকাশ হচ্ছে, বিকাশ হুয়া হ্যাঁ কিছু দিচ্ছে। আমার পেনশন করে দিনছে, আমার স্বামী মারা গেল, পেনশন করে দিনছে, আগে আমার স্বামী পেত এখন আমি পাই। আচ্ছা পেনশন মিল রহা আনি, পহলে হাজবেন্ড কো মিলা পতি কো না, আর ইসকে বাদ ইনকো মিল রহা, উনকে গুজারনে কে বাদ ইনকো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা
तो और क्या क्या मिला आपको? আর এখন পেনশনে আমার নাই কেউ না এমন পাই হ্যাঁ ধুতি শাড়ি কন্ট্রোলে চাল পাচ্ছি এইসব আচ্ছা ধুতি শাড়ি হ্যাঁ ধুতি শাড়ি কন্ট্রোলে চাল কোন সরকার দিয়ে পাতা হ্যায় আপকো হ্যাঁ ঝাড়খণ্ড সরকার ঝাড়খণ্ড সরকার আর তুমি পেনশন পেনশন পাই পেনশন পাই তার এই বার ভোট কিধার ভোট এই ধরন কই দিব सब तो दिशा मत के घर बाड़ी दिशे ना अच्छा बाड़ी ना हाँ। बाड़ी ना तो झारखंड सरकार बोलम तो कि अबुआ आवास हम दिबो ठीक है तो अबुआ आवास मिला आपको ना 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 जमी ना जगह ना खेटे खाई ऐले दीदी की तुम पांच छा फैमिली रही जमाई बिटी आस বউ বিটা আছে ছেলে আছে ওই একটা বাড়িতে থাকা হবে আমরা বাড়ি চাই বাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে বাড়ি দিতে হবে হ্যাঁ তো ঝাড়খণ্ড সরকার বললাম তো আমি আবু আওয়াজ দিচ্ছে হ্যাঁ সেটা আমরা একাই ভোট দেব একাই ভোট দেব হ্যাঁ ভোট একাই দেব কি ছাপ কি তিধনু তিধনু হ্যাঁ এক নম্বরে দিন দেব এক নম্বরে হ্যাঁ তুমি জানো কি এক নম্বরে তিধনু হ্যাঁ তিধনু কাছে এক নম্বর নাম কিটা प्रधानमंत्री बोललाम पीएम आवास तो मिला कि नहीं तो अबुआ आवास आसे लिस्ट आछे नाम किन्तु पाइनी अच्छा लिस्ट में नाम है लेकिन मिला नहीं है ना लिस्ट में नाम है मिला नहीं है इन लोग के साथ साथ हम भी बंगला थोड़ा सीखने लगे हैं और बेंगलुरु में अरे इन लोग के साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी बंगला जो है सो बोलने लगे हैं सीखने लगे हैं ये प्रथम बार है कि थोड़ा सा बंगला मिक्स हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारे दर्शक थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा बाकी और भी है आप लोग को मिला है आवाज नहीं मिला हुँ? आप लोग को मिला है दीदी हाँ। पेंशन मिल रहा है हाँ भाई पेंशन मिल रहा है कौन सरकार दिया आपको पेंशन पेंशन के देखे पाए पाए पेंशन पाए और दादा की नाम की तुम्हारा हमारा नाम है हुवाई दुलोई अच्छा हुवाई दुलोई हाँ तो की यहाँ की बेसी कमी की अच्छी बेसी कमी आवास एक घर पाई नहीं एक घरे सात जना करे छेले मेये निये सब रही तो सरकार तो बोललाम कि आमी अबुआ आवास दिच्छी तो अबुआ आवास पाई ना तुम ना पाई नहीं লিস্টে নাম আছে কিন্তু আসে নাই আচ্ছা লিস্টে নাম আসছে আচ্ছা ঠিক আছে ই এখনে লোকসভা চুনাওর কে কিনকা পাল্টা ভারী হে ললিন সরেন নলিন সরেন ললিন সরেন ইধার কা মাহল ক্যা হ্যায় ইধার ইস গাঁও কা এস ললিন সরেন কা মাহল হ্যায় ঝাড়খণ্ড মুক্ত মোর্চা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা মে হি আপ লোগ দেতে হ্যাঁ হম লোগ উসি মে দেতে উসি মে দেতে হ্যায় হ্যাঁ झारखंड सरकार दे रहे हैं ये लोग जो है सो ये हैं और बाकी ये दीदी आपको कुछ मिला है हमको तो कुछ नहीं मिला है अभी अरे कंट्रोल में चाल मिलता है हाँ बकरी भी मिला है बकरी मिला है हाँ मिला है कौन दिया पशुपालन हाँ पशुपालन से मिला है कौन दिया झारखंड सरकार झारखंड सरकार दिया है चलिए ये तमाम जनता है लोग की राय और विचार थोड़ा इंड टाइम में हम देख रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है तो आपको क्या लगता है पहले खबर करबे करबी या पहले वोट करबी এখন তো ভোটই করতে হবে কালকে তো ভোট আছে আগে তো ভোটই করতে হবে তারপরে খাবার পাবো আগে ভোট আগে ভোট প্রথমে ভোট তারপরে খাবার হ্যাঁ তো খাবার তো কি হবে মাংস ঝোলা নিয়ে ভারত সরকার কি বলছে জানো না আমাদের বাড়ি তো টিভি নেই তো কি করে জানবো টিভি থাকে দূরদর্শন থাকলে পরে জানা যেত আচ্ছা দূরদর্শন নাই হ্যাঁ দূরদর্শন নেই প্রথমে ভোট তারপরে খাবার তারপরে খাবার কেন আগে আমরা ভোট দিই তুমি জানো দিদি প্রথমে ভোট তারপরে খাবার হ্যাঁ
এখন তো কালকে ভোট আছে না হইছে নেই কালকে ভোট আছে কালকে ভোট আছে প্রথমে ভোট হবে তারপরে খাবার হবে বাংলা আমি শিখে গয়ে হ্যাঁ বাকি বাদ ये हम थोड़ा सा ये जो क्या जगह था ये सुखजोड़ा सुखजोड़ा से जो है सो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये नलिन सोरेन जी का जो है सो विधानसभा क्षेत्र है लगातार 7 बार वो यहाँ से जीते हैं विधायक बने हैं और लगातार 7 बार हैट्रिक लगाना कोई छोटी चीज़ नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है और आज वो लोकसभा में आ गए हैं तो क्या ये 7 बार जीतने का जो प्रभाव है वो लोकसभा में दिखेगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा बाकी ये जनता लोग जो हैं इनके विचार को हम थोड़ा जानने का प्रयास किए क्या कुछ लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फिर मिलेंगे और रही बात जितने भी हमारे बंगाली दर्शक हैं वो भी कमेंट करके बंगला में बताइएगा कि भैया क्या कुछ कैसा लगा है मिलेंगे अगली कड़ी में जोहार बंगला भाषा